हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मैंगो बर्फी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यह हमने दो आम लिया था जिसको छील के काट लिया है। तो बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका एक प्योरी बना लेंगे। आम को ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मिक्सी जार लिया है, इसमें आम ले लिया है। इसी के साथ हम ऐड कर लेते हैं शुगर। आप इसे बाद में भी ऐड कर सकते हैं या अभी कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए हमने आम का पेस्ट बना लिया है। अब इसको इसमें ऐड कर देते हैं 4 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर और थोड़ा सा दूध डाल के एक बार इसे फिर ग्राइंड कर लेते हैं, जिससे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप कस्टर्ड पाउडर की जगह कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए पेस्ट बन के रेडी हो गया। अब चलते हैं गैस की तरफ। इसे बनाना बहुत आसान भी है, बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में 2 छोटा चम्मच घी ऐड कर दिया है। घी ऑप्शनल है, लेकिन घी डाल देने से एक अच्छी शाइन आ जाएगी, अच्छा टेस्ट भी आएगा। आप घी को बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हम दूध के साथ घी को गर्म कर लेते हैं। घी का कलर थोड़ा डार्क है, क्योंकि घी ज़्यादा पक चुका था, इसीलिए इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया है। दूध में उबाल आने देते हैं। दूध उबल चुका था, अब इसमें हम ऐड कर देते हैं आम, जिसे हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था, और इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए कंटिन्यू पकाएंगे। ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं नीचे से कढ़ाई के तले में लग जाएगी। देखिए कितना जल्दी ये मेरा इंग्रेडिएंट्स जो है ठीक हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं इलायची पाउडर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मैंगो बर्फी बनाने में एस्टेरिक एसिड का भी यूज किया जाता है, लेकिन हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आम हमारे वैसे भी खट्टे थे, तो दूध में वैसे भी छेना फॉर्म में दूध हो चुका है। ये जो दूध छेना फॉर्म में हो जाता है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक कि अच्छी तरह से ठीक ना हो जाए। आप दूध के साथ साथ मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। हमारे पास घर में जो भी था मैंने उसी से इसे बना लिया, क्योंकि आम बहुत खट्टे लग रहे थे, पके हुए तो थे, खट्टे खट्टे तो खाने में अच्छे नहीं लग रहे थे, तो हमने सोचा चलो इसके थोड़ा यूज़ कर लिया जाए। तो देखिए पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। तो यहाँ हमने गैस की फ्लेम बंद कर दिया है और इसे एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं। इसके बाद हमने एक बड़ा प्लेट लिया है, प्लेट को घी से ग्रीस कर लिया है और इसमें हम इसे सेट कर देते हैं। आप चाहें तो कोई भी बर्तन ले सकते हैं, टिफ़िन बॉक्स है या कोई भी केक टिन है, किसी भी बर्तन में इसे सेट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम बादाम डाल देंगे गार्निश के लिए। थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं बादाम से। इसे हम थोड़ा स्पैचुला से प्रेस कर देंगे, जिससे कि बादाम अच्छी तरह से इसमें सेट हो जाए। और इसे 2 घंटे के लिए काउंटर टॉप पे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, या तो फिर इसे ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख देंगे तो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा अभी 1 ही घंटा हुआ है, सूख चुका है, सेट हो गया है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसे हम फ्रिज में रख देंगे। तो आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, लेकिन हम इसे स्क्वायर शेप में हमको कट करना है, तो इसी तरह से इसी वजह से साइड से थोड़ा थोड़ा हम कट कर लेंगे, एक स्क्वायर शेप दे देंगे, फिर हम अपने च्वाइस के हिसाब से इसका स्क्वायर कट कर लेंगे। साइज बड़ा या छोटा कुछ भी आप कर सकते हैं।
तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए मेरी मैंगो बर्फी बन के रेडी है, इसे हम रख देंगे फ्रिज में 1 घंटे के लिए, तो ये और अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। अभी थोड़ी हल्की नरम है क्योंकि अभी ठीक से ठंडी नहीं हुई है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है जहाँ हम लोग रह रहे हैं। तो देखिए बर्फ़ी बन के रेडी है, अभी इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्रिज में, और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।